by M.S. Ali. लो स्टूडेंट्स, मैं एम एस अली एंड यू आर वॉचिंग मेरेकलोनी क्लासेस, जहां आप सीखते हो इंग्लिश हिंदी के थ्रू और वो भी बिल्कुल अलग तरीके से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से 10 ऐसे शब्दों की जो कि अक्सर लोग गलतियां करते हैं उन्हें प्रोनाउंस करने में, यानी जब उनको उच्चारित करते हैं, जब उनका साउंड निकालते हैं तो उनसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। और मैं नहीं चाहता कि आपसे वो गलतियां हो। मैंने इस पर आपके 6 पार्ट्स दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये है 7वां पार्ट, यानी ये है आपका 7th पार्ट। और इस पार्ट में भी आप जानने वाले हो 10 ऐसे शब्द जो कि कॉमनली मिस प्रोनाउंस किए जाते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कि कुछ ऐसे शब्द उनमें शामिल होते हैं जो कि अक्सर टीचर लोगों के द्वारा भी वो गलत बोला जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेसन, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे शब्द बताने वाला हूँ बिना देर किए। तो हमारा सबसे पहला जो वर्ड है वो है AVAILABLE। क्या बोलते हो इसे? AVAILABLE, अवेलेबल। मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा लोग, अधिकांश लोग, 99% लोग अवेलेबल ही बोल दिया करते हैं, जबकि ये अवेलेबल नहीं है, ये है अवेलेबल, अवेलेबल, AVAILABLE, डेट इज़ अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, वो है हमारा AGAIN। बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही आसान वर्ड है, बहुत ही छोटा भी वर्ड है, AGAIN। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वर्ड आप बिल्कुल गलत ही प्रोनाउंस करते आ रहे हो। जब से आपने अंग्रेजी सीखनी शुरू की है तब से लेकर के आज तक आप इसे गलत पढ़ते आ रहे हो। अगेन, ये अगेन नहीं है, ये है अगेन, यानी इसमें आपको ए की मात्रा देनी होगी। ये है अगेन, अगेन नहीं है। तो आगे से याद रहे, यहाँ पर ए आई का उच्चारण ए नहीं होता है, यहाँ पर ए आई से ए होता है। जैसे कि आपने 12 खरी में याद किया है कैसे का, के ऐसे का, के आई से की, तो उसी तरीके से यहाँ ए आई से ए है, न कि ए है। तो आगे से याद रखना है वो अगेन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा YOUR। बहुत ही कॉमन, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रीवेलेंट वर्ड है YOUR, जिसको अक्सर 99% लोग इसको गलत ही प्रोनाउंस करते हैं और वो कहते हैं योर, वो कहते हैं सिर्फ योर, जबकि ये योर नहीं है, ये है योर, यानी इसमें भी आपको औ की मात्रा देना पड़ेगा। या में आपको औ की मात्रा लगानी होगी और तब आप इसको प्रोनाउंस करोगे योर, योर नहीं। तो आगे से आपको याद रखना होगा ये योर नहीं है, ये योर है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, वो है हमारा ENVIRONMENT। बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग, एनवायरमेंट, कुछ लोग एनवायरमेंट, और कुछ लोग एन को साइलेंट करते हैं तो ठीक पढ़ते हैं वो एनवायरमेंट, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। पूरी तरह से ठीक क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो है एनवायरमेंट, वो है एनवायरमेंट, यानी उसमें एन को साइलेंट करते हैं और एनवायर ऐसे आप बोलते हो, उसके बाद मेंट कहते हो, यानी एनवायरमेंट, न कि एनवायरमेंट या एनवायरमेंट, ऐसा आपको नहीं बोलना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा APOLOGY। क्या पढ़ते हो आप लोग इसे? एपोलॉजी। मैं जानता था आप सब लोग एपोलॉजी ही पढ़ते हो, और बहुत सारे लोग पढ़ते हैं एपोलॉजी, क्योंकि ये देखने में तो सीधा सीधा एपोलॉजी जैसा ही लगता है, लेकिन ये एपोलॉजी नहीं है, ये है अपोलॉजी, अपोलॉजी, APOLOGY, जिसका मतलब क्षमा या माफ़ी होता है, वो होता है अपोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, वो है ALTER। क्या पढ़ते हो आप इसे? अल्टर, अल्टर, दोनों गलत पढ़ते हो, ये दोनों के दोनों गलत हैं, ये अल्टर और आल्टर नहीं है, ये ऑल्टर है, यानी इसमें भी आपको औ की मात्रा देना होता है, ऑल्टर। तो फिर आप कहोगे कि AL का मतलब ऑल कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी शुरुआत AL से होती है और उनमें उनका साउंड अल नहीं आता बल्कि ऑल आता है, जैसे कि ALSO, ऑल्सो, ALWAYS, ऑलवेज, ALTOGETHER, ऑल टुगेदर, है ना। तो इस तरीके के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी शुरुआत AL से होती है, फिर भी वहाँ पर AL का उच्चारण ऑल जैसा आता है, और ALL तो आप जानते हो कि वो ऑल ही होता है, उसमें कोई आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ इन शब्दों को याद रखिएगा आप लोग कि सिंगल एल रहने पर भी वो ओ की मात्रा जैसा ही उसका साउंड आता है, जैसे कि ऑल्सो, ऑलवेज, ऑल टुगेदर, ऑल्टर, है ना, ऑल्टरनेटिव। तो इस तरीके से आपको प्रोनाउंस करना होगा, इस बात का आप ध्यान रखोगे, और फ्यूचर में उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे शब्दों के जो मिस प्रोनाउंसिएशन है उनसे आप लोग बचोगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ALCOHOL, ALCOHOL, क्या पढ़ते हो आप? एल्कोहल या एल्कोहल, आप दोनों ही गलत पढ़ते हो, ये है एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। तो याद रहे आप आगे से ALCOHOL, ये है एल्कोहल। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं ANOTHER,
ANOTHER, क्या साउंड करते हो आप? अनदर, इनोदर, एनदर, ये होता है अनदर। इनदर नहीं होता है ना, इनोदर नहीं होता, ये होता है अनदर। तो आगे से याद रखना है आपको, डेट इज़ अनदर है ना, इनदर नहीं है। जबकि ज़्यादा लोग इसको ए का साउंड देते हैं, इनदर कह देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उन लोगों की गलती मानी जाएगी, वो अ का साउंड आता है अनदर। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं जो हमारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे टू ऑल।